नमस्कार मित्र नाथ, और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों चीन और अमेरिका बन रहे हैं एक दूसरे के दुश्मन, और क्या आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध होना संभव है। अमेरिकी सैनिकों ने चीनी दूतावास को क्यों बंद कराया और उनके अधिकारियों को हिरासत में क्यों लिया। क्या चीन आने वाले समय में कोरोना बम के अलावा कर रहा है कोई और खतरनाक प्लान। पूरी दुनिया को किस तरीके से चीन व्यापारिक लाभ के लिए कर रहा है परेशान, इस एपिसोड में इस पर हम करेंगे गहनता से पड़ताल। लेकिन आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों। बिहार के 10 जिलों के 8 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में, अब हेलीकॉप्टर से दिए जाएंगे फूड्स के पैकेट। राज्य के 10 जिलों के 67 प्रखंडों की 435 पंचायतों के 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर अधिक पानी की वजह से फूड पैकेट्स पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग की है। उम्मीद है कि शनिवार को वायुसेना का हेलीकॉप्टर बिहार पहुंच जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रुडू ने कहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सभी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं और आवश्यकता अनुसार लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में 192 सामुदायिक किचन बनाए गए हैं जहां से 81,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 28 जगहों पर राहत शिविर भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बचने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और उन्होंने अपने जानकारों को भी खुद ही क्वारंटीन होने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सभी साथियों से अपील है कि जो भी संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराकर और निकट उनके संबंध में जितने भी लोग हैं सभी क्वारंटीन में चले जाएं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार सुबह सुबह यहां कोरोना के 31 मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार बीती रात को 38 मामले रिपोर्ट किए गए थे। ऐसे में 10 घंटे में 69 नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सोलन जिले में अब कोरोना के कुल मामले 503 हो गए हैं। वहीं बद्दी में शनिवार रात से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन में रखे विमानों के इंजन में जंग लग गई है। बोइंग का कहना है कि उसके विमानों के इंजन कम इस्तेमाल होने की वजह से दिक्कतें दे सकते हैं। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन बोइंग 737 के इंस्पेक्शन के निर्देश दिए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारतीय एयरलाइंस को भी बोइंग 737 विमानों को चेक कराने के लिए कहा है। दुनिया में पैसेंजर्स सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाले विमान बोइंग 737 में खराबी का अंदेशा है। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में फ्लाइट्स पर बैन लग गई थी। विमान या तो बहुत कम यूज हुए या फिर रखे ही रह गए। ऐसे में उनकी तकनीकी खराबी का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी एयरलाइंस रेगुलेटर ने सभी बोइंग के 737 इंस्पेक्शन के निर्देश दिया है। कंपनी ने खुद कहा कि एयरलाइंस इंजन वॉल्व्स की जांच करें और कहीं उसमें जंग लगी है तो उसको दूर करें। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा कि अगर कोई खराबी मिलती है तो उसके इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। 6 घंटे तक राम मंदिर भूमि का पूजन होगा और पीएम मोदी के साथ कई सारे खास मेहमान शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन को अभी तक लेकर के पीएमओ ने भले ही कोई नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसलिए सप्तपुरियों समेत देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों की मिट्टी और नदियों के जल पहाड़ों की मिट्टी मंगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो भूमि पूजन के अनुष्ठान कार्यक्रम में अयोध्या और काशी के धार्मिक और वैदिक विद्वान और गणेश पूजन के साथ इन्हीं सामग्रियों से वैदिक रीति रिवाज से रामानंद परंपरा की पूजन परंपरा में पूजन और अनुष्ठान कराएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन लगभग 11 बजे का वह भाग शुरू होगा जो पूरे अनुष्ठान का सबसे अहम होगा। इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन स्थल पर पहुंचेंगे। इन खबरों के बाद अब बारी है आज के पड़ताल की। चीन ने कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को हिला दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से उठे एक वायरस ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस वायरस का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए धरती पर रहेगा। हालांकि WHO के अधिकारियों ने पहले ही इस वायरस की पुष्टि कर दी है कि अब ये हमेशा निरंतर आदमियों के साथ रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और चीन किसी तरीके की चालबाजी कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। शुरुआती समय में चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के साथ साथ चीन की पूरे विश्व में दुश्मनी बढ़ती चली गई।
पड़ोसी देशों को तंग करने और उकसाने के अलावा अनियंत्रित गतिविधियों को बढ़ावा देना चीन की आदतों में शुमार होता चला गया। भारत से बॉर्डर पर तनातनी के बीच अमेरिका ने दूसरे प्रांतों से अपनी सेनाओं को हटाकर भारत के पक्ष में लगाने का इशारा किया तो चीन की हवा खराब हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुले मंचों से चीन पर कोरोना को जानबूझकर फैलाने का आरोप लगाया तो चीन ने अमेरिका को आंख भी दिखाई। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में स्थित चीनी वाणिज्यिक दूतावास को आधिकारिक तौर पर शनिवार को बंद करा दिया गया है। 4 दशक पहले खुले इस दूतावास को पहली बार इस तरह बंद करवाया गया है। अमेरिकी एजेंटों ने दूतावास के अंदर घुसकर इसे बंद कराया। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद से दोनों देशों में तनातनी चरम पर पहुंच गई। दोनों देशों के बीच पहले से ही कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर जुबानी जंग जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने चीन से 72 घंटे के भीतर ह्यूस्टन में अपने वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने के लिए कहा था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया कि यह जासूसी और बौद्धिक संपदा की चोरी का एक केंद्र बन गया है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने वाणिज्यिक दूतावास पर अमेरिका में बीजिंग के जासूसी अभियानों का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्यिक दूतावास बंद करने के अमेरिका के फैसले पर पलटवार करते हुए चीन ने भी शुक्रवार को चेंदगु स्थित अमेरिकी महावाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। दूतावास को बंद करने का आदेश देते समय चीन ने अमेरिका पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ट्रंप प्रशासन द्वारा तय की गई समय सीमा समाप्त होने से 1 घंटे से पहले वाणिज्यिक दूतावास पर लगे चीनी झंडे और सील को हटा लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इमारत पर कब्जा कर लिया। सुबह सुबह वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारी इमारत से अपना सामान हटाते देखे गए। वहीं लगभग 30 प्रदर्शनकारियों को बैनर के साथ वाणिज्य दूतावास के बाहर जश्न मनाते देखा गया। दूतावास को बंद करने के लिए दी गई समय सीमा के खत्म होने से पहले ह्यूस्टन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और 4 दशकों से चीन सरकार के कब्जे वाली इमारत के पास की सड़कों को बंद कर दिया। पुलिस ने वाणिज्यिक दूतावास की इमारत के चारों ओर सुरक्षा कड़ी कर दी। बता दें कि अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीन के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का बुधवार को आदेश दिया और कहा था कि यह कदम अमेरिकियों की बौद्धिक संपदा और निजी सूचना की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग विनवेंग ने इसे तनाव और अप्रत्याशित वृद्धि करने वाला करार दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि चीन एशिया में सर्वशक्तिशाली देश होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। चीन ने कोरोना वायरस के बाद से पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया है, खासकर पड़ोसी देशों में जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और इसके अलावा तमाम आधा दर्जन से अधिक ऐसे कंट्रीज हैं जो चीन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इनमें अमेरिका सभी को लीड कर रहा है। भारत से पहले ही चीन की तनातनी चल रही है। बॉर्डर पर इन छोटी आंख वाले चीनी सैनिकों की आंखों में पीतल ठोकने के लिए भारतीय सैनिक पहले ही खड़ी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन अब अपना अस्तित्व बचा पाएगा, क्या मिट जाएगा चीन का संकट। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये पढ़ता। अब आप ई रेडियो इंडिया को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com लॉगिन करके तमाम खबरें देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।